இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏனா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. தினம் தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है, ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए।